भोपाल की घटना का जिक्र करेंगे। एक लॉज में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एजेंट करीब 2 महीने से रुका हुआ था। जिस रूम में वो एजेंट ठहरा था वहां उसका कत्ल हो जाता है। आखिर कातिल कौन है, क्या है 1084 किलोमीटर दूर दूसरे राज्य में कत्ल की एक गुत्थी, देखिए। लॉज में मर्डर, एजेंट का कत्ल, किसने किया था वार? पार्टी में छुपा कत्ल का राज, एक रहस्यमयी गुमशुदगी। 1084 किलोमीटर दूर सुराग की तलाश, भोपाल टू उत्तराखंड, वो कहां है? अमनदीप, भोपाल के हनुमानगंज थाना इलाके की एक लॉज में करीब 2.25 महीने से रह रहा था, परिवार से दूर। जिस लॉज से ऐसी खबर आई जो होश उड़ाने वाली थी, जिस रूम में अमनदीप रुका हुआ था वहां वो घायल हालत में मिला, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन जान बचाई ना जा सकी। आखिर वो हमलावर कौन है जिसने अमनदीप पर हमला किया, हमला कैसे किया गया, क्यों हुआ, इसकी तफ्तीश जारी है। क्या 1084 किलोमीटर दूर इस हत्याकांड का सुराग कैद है? आखिर करीब 1084 किलोमीटर दूर किस सुराग की तलाश जारी है? ये रात में अमनदीप नाम के व्यक्ति सपना लॉज में रुके हुए थे, उनको घायल अवस्था में हमीदिया पहुंचाया गया, वहां पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद यहाँ पे सूचना मिलते ही मर्ग कायम किया गया, जांच में लिया गया। दरअसल अमनदीप जिस लॉज में ठहरा था उस लॉज में ही बगल वाले रूम से एक शख्स गायब है। ये गायब शख्स उत्तराखंड का रहने वाला है। क्या वो इस कत्ल का राजदार है? उस संदिग्ध शख्स की तलाश जारी है। पड़ोस में जिस होटल में जिस लॉज में रुके थे उसके पड़ोस में भी एक व्यक्ति रह रहा था, तो उस पर हम लोग संदेह, उसकी तलाश कर रहे हैं। मर्ग कायम करके अग्रिम जांच की जा रही है और हमारी टीम लगी हुई और विशेष कार्रवाई आगे जा रही है। प्रारंभिक तफ्तीश में ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि रात में पार्टी हुई, क्या उस पार्टी में उस संदिग्ध शख्स और अमनदीप के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद में अमनदीप पर हमला कर दिया गया? आखिर विवाद हुआ तो किस बात को लेकर? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी तहकीकात की जा रही है। ये तत्कालीन कारण अभी समझ में आया है कि हो सकता है साथ में बैठे हों और किसी तात्कालिक बात को लेकर के झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है ऐसा आया। प्राइवेट कंपनी में अमनदीप बतौर एजेंट काम करता था। जिस संदिग्ध शख्स पर पुलिस को शक है, क्या वो खोलेगा कत्ल की इस गुत्थी को? आखिर वो संदिग्ध शख्स फरार क्यों हुआ? सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स की भी पड़ताल जारी है। पुलिस को मौके से कई चीजें बरामद हुई है। ये भी माना जा रहा है कि दोनों ही घटना के समय शराब के नशे में थे और इसी दौरान किसी बात पर कहासुनी हुई और ये पूरी घटना घटित हुई है। बहरहाल देखना होगा कि कब तक जो संदेशपद व्यक्ति है, संदिग्ध है, वो पकड़ाता है और इस मामले में खुलासे हो पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। 20 साल की वो लड़की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसे रील्स बनाने का शौक था। उसकी कैंची से वार कर कोई हत्या कर देता है। लड़की की लाश को कमरे में लॉक कर हत्यारा फरार हो जाता है। कातिल निकला सोशल मीडिया वाला फ्रेंड। 10 दिन पहले दोनों की दोस्ती हुई। आखिर कातिल की मंशा क्या रही, देखिए। वो रील्स बनाने की शौकीन, गले में कैंची से वार, लड़की की मिली लाश। दस दिन की दोस्ती और कत्ल, बंद घर का खौफनाक राज। इन्फ्लुएंसर की मर्डर मिस्ट्री,
शफकत लिखी कहानी सुनाते वो 5 दिन। उम्र महज 20 साल। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली, रील्स बनाने की शौकीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली निकिता का कुछ दिनों से कोई पोस्ट नहीं आया। आखिर ये बात किस ओर इशारा कर रही थी? क्यों सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं थी? इस राज को खोला इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके की जबरन कॉलोनी में बने इस घर ने। घर बाहर से बंद था, ताला लगा था और अंदर निकिता की लाश पड़ी थी। इन्फ्लुएंसर का मर्डर हुआ था, गले में कैंची से वार किया गया था, कैंची गले में ही थी। अब सवाल था कि आखिर कातिल कौन है। 9 तारीख को राजीव बाजार थाना क्षेत्र में जबरन कॉलोनी में एक 20 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर घटनास्थल की तस्दीक करी गई, जिसमें जो मृतिका का शव था उसकी शिनाख्त निकिता निवासी सागर के रूप में हुई। उसके बाद लगातार उसकी हत्या किसके द्वारा करी गई है, इसके लिए तफ्तीश जारी थी, अलग अलग टीमें बनाई गई थी। क्राइम सीन पर पुलिस को मार्कशीट मिली, जिससे उसकी पहचान हुई, जो सागर की रहने वाली थी। इस इलाके में रूम को किराए पर लिया था। पुलिस की माने तो लड़की के साथ लड़के ने रूम किराए पर लिया था। मकान मालिक को ये बताया था कि दोनों पति पत्नी हैं। मृतिका की हत्या उसके गले में कैंची मारकर की गई थी। इस पर से आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे, फुटेज चेक करने पे ये बात सामने आई कि वो महिला 3-4 दिन पहले ही वहाँ पर कमरा लेकर आई थी और वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ में रह रही थी जो अभी फरार है। परंतु उस व्यक्ति की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं मालूम थी, कोई बता नहीं पा रहा था। लेकिन कहानी कुछ और थी। 150 लोगों से पूछताछ, करीब 250 CCTV फुटेज खंगाले गए और तब जाकर पुलिस वाले उस आरोपी तक पहुंचे। इनकार, इंतकाम, कातिल बॉयफ्रेंड। गुना का रहने वाला प्रवीण धाकड़, जिसने लड़की की हत्या की थी। तो मृतिका का इंस्टाग्राम अकाउंट, मृतिका के फोन और कैमराज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि जो व्यक्ति उसके साथ रहने आया था उसका नाम प्रवीण धाकर था, जो कि गुना का रहने वाला था। इंदौर में यहाँ गोदरेज कंपनी में काम करता था और लगभग 10 दिन पहले ही मृतिका से उसकी मुलाकात हुई थी। 10 दिन पहले दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई। पुलिस की माने तो प्रवीण और लड़की शराब के शौकीन थे। 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक दोनों साथ रहे। प्रवीण ने एक ऐसी जिद की जिससे लड़की ने इनकार कर दिया और फिर प्रवीण ने तैश में आकर कैंची से वार करके अपनी फ्रेंड की हत्या कर दी। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ में ये बातें सामने आई कि वो लगभग 10 दिन पहले से ही मृतिका के साथ में आया था, इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और लगातार ये लोग शराब पीने और नशा करने के लिए साथ में रहते थे। दिनांक 3 से लेकर 7 तारीख तक जो आरोपी है वो मृतिका के साथ था और ये लोगों ने नशा किया था। इसके बाद आरोपी के द्वारा बताया गया कि उसने मृतिका के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, जो कि मृतिका के द्वारा विरोध किया गया। उसका विरोध करने के बाद विवाद होने पर गुस्से में आकर नशे में आरोपी के द्वारा कैंची से हमला करके उसकी मृत्यु कर दी गई। इनकार, इंतकाम और कत्ल का खुलासा हैरत में डाल देता है। इंदौर में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।